हेलो फ्रेंड्स, मैं अनुराग और आशा करता हूँ आप भी बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, आज हम बात करेंगे कि विंडोज 7 जो कि वाइडली यूज़ आज के डेट में भी हो रहा है, इसको यूज़ करना कितना सेफ़ है आज के समय में, तो इसके बारे में आज हम बात करेंगे। तो चलिए चलते हैं। सबसे पहले दोस्तों, आपने देखा होगा कि विंडोज़ 7 जो है 14th जैन 2020 में माइक्रोसॉफ्ट ने इसका सपोर्ट ख़त्म कर दिया था, यानी उसकी जितनी अपडेट्स आ गई थी वो आ गई थी, उसके बाद उन्होंने कोई अपडेट नहीं दिया। और उसके बाद जो है विंडोज़ 10 भी आ गई, 8 भी आई, 11 भी आ गया है। तो इसमें विंडोज़ 7 में क्या था दोस्तों कि ये काफ़ी स्टेबल और ऑपरेटिंग सिस्टम था, जिसमें कि इसके बहुत सारे फीचर्स जो थे इनेबल थे और बहुत अच्छे स्टेबिलिटीज के साथ वर्क करते थे। लेकिन दोस्तों, क्या होता है कि जब कोई सॉफ्टवेयर का सपोर्ट बंद हो जाता है तो उसमें क्या होता है कि उसकी अपडेट्स वगैरह मिलने बंद हो जाते हैं। अपडेट्स बंद होने के कारण क्या उसमें समय के साथ वनरेबिलिटीज डेवलप हो जाती हैं। जैसे कि आप देखते होंगे कि ये आप देखिए विंडोज 7 मेरे पास है और मैं इसको आपको दिखाता हूँ कितना मैंने अपडेट किया हुआ है। ये इतना अपडेट दिखा रहा है आज भी। लेकिन दोस्तों, जब आप विंडोज़ इंस्टॉल करते हैं विंडोज 7, तो इसमें ये अपडेट में कुछ शो नहीं करेगा, और ये कुछ शो नहीं करेगा इसका मतलब इसमें बहुत जो जितना ज़्यादा ऑपरेटिंग सिस्टम जो ऑपरेटिंग सिस्टम जितना ज़्यादा अपडेटेड होगा और करंटली अपडेट चल रहा होता है, वो उतना ज़्यादा स्टेबल माना जाता है। क्योंकि उसके जो पैचेज होते हैं या जो अपडेट्स होते हैं वो क्या करते हैं, वल्नरेबिलिटीज जो होती हैं उनमें उनको पैचअप करते रहते हैं साथ साथ, जिसकी वजह से जो हैकर्स वगैरह होते हैं या एक्सप्लॉइट वगैरह जो यूज़ करते हैं वो उसको यूज़ नहीं कर पाते, और जब तक वो यूज़ करने की सोचते हैं, एक्सप्लॉइट करने की कोशिश करते हैं, तब तक वो पैचअप हो जाती है। तो एक तो ये होता है कि जितनी ज़्यादा आपकी विंडोज़ अपडेट होगी उतनी ज़्यादा आपका स्टेबल होगा ऑपरेटिंग सिस्टम। अगर ये विंडोज़ 7 जो है, अगर मैं इसको बिल्कुल भी अपडेट ना करता तो आप यकीन मानिए कि आप इसको आप कुछ भी यूज़ करते तो ये कॉम्प्रोमाइज़ हो जाता थोड़ी देर में ही। तो इसका सबसे स्टेबल अगर आप किसी ऑपरेटिंग सिस्टम को रखना चाहते हैं तो उसके पैचेस या जो भी अपडेट्स हैं रेगुलर अपडेट कीजिए, चाहे वो विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम हो या कोई और क्रोम ब्राउज़र हो या कुछ भी ब्राउज़र हो। तो ये इस तरह की होती हैं कि मतलब इनको डेली बेसिस पर अपडेट होना चाहिए या मंथली बेसिस पे, वीकली बेसिस पे अपडेट होते रहना चाहिए। तो इसके अलावा और क्या कर सकते हैं इसमें विंडोज़ की, जैसे आपने देखा कि इसकी सपोर्ट 2020 में ख़त्म हो गई थी, लेकिन लोग क्या करते हैं कि जैसे ऑपरेटिंग सिस्टम पूरा कंप्लीट अपडेट कर लिया और उसके बाद उसको क्रोम ब्राउज़र पे यूज़ करना शुरू कर दिया। दोस्तों, क्रोम ब्राउज़र पे भी क्या होता है कि जैसे आप चेक करेंगे उसको, तो उसकी भी सपोर्ट जो गूगल ने विंडोज़ जो 7 के लिए सपोर्ट जो है वो काफ़ी पहले बंद कर दी थी उस पर, मतलब आपका ब्राउज़र जो है वो अपडेट नहीं होता। अगर आप उसको अपडेट करना चाहेंगे तो वो अपडेट नहीं होगा। जैसे कि देखिए, मैं दिखाता हूँ आपको अभी, आप ये देख लीजिए। इसमें जैसे आप देख रहे हैं कि विंडोज 7 जो है ये अभी इसका वर्जन है इसमें 109, और जो क्रोम ब्राउजर का आजकल जो लेटेस्ट चल रहा है वो है 119। तो इस तरह जो है 119 के अराउंड के चल रहा है या इससे भी आगे आ गया होगा, लेकिन ये देखो कितना पुराना वर्जन है। तो क्रोम ब्राउज़र में भी इसमें वल्नरेबिलिटीज डेवलप हो चुकी होंगी, और जो यूज़ करने वाले होते हैं वायरस वो तो इनको 2 मिनट में एक्सप्लॉइट के थ्रू यूज़ करके लॉक कर देंगे उसके, और आपका फिशिंग के थ्रू आपका जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो कॉम्प्रोमाइज़ हो जाएगा। तो होता क्या है कि जैसे आपने क्रोम ब्राउज़र की इसमें सपोर्ट मिलनी बंद होगी तो इसमें भी टाइम के साथ वल्नरेबिलिटीज डेवलप हो जाती हैं, और वो धीरे धीरे हर हैकर्स वगैरह को या जो इस तरह के काम करते हैं उनको सबको पता रहता है कि इसमें कौन कौन सी वल्नरेबिलिटीज हैं और ये आगे अपडेट नहीं होगा। विंडोज 7 ऑपरेटिंग सिस्टम देखते ही वो उसको एक्सप्लॉइट कर लेंगे, उनको पता होता है कि विंडोज 7 है तो मैक्सिमम अपडेट भी होगी, तब भी क्रोम ब्राउजर तो अपडेट होगा नहीं उसका, तो वो उसको भी एक्सप्लॉइट कर लेते हैं। इसके अलावा और दोस्तों क्या होता है कि आप अपने सिस्टम पे ये भी डिपेंड करता है कि आप विंडोज 7 आपने डाला हुआ है तो आप उसको किस तरह से यूज़ कर रहे हैं, मतलब आप उसमें किस तरह का यूज़ कर रहे हैं, कि भाई नॉर्मल सर्फिंग वगैरह यूज़ कर रहे हैं तो कोई इशू नहीं है, कि भाई फॉर्मेट हो जाएगा तो कोई दिक्कत नहीं है, दोबारा कर लेंगे इंस्टॉल। लेकिन अगर आप उसमें पेमेंट वगैरह करने का ऑप्शन सोच रहे हैं या फिर कुछ और वो है, तो उसमें ये चीज़ें सेफ नहीं है बिल्कुल भी।
विंडोज 7 के सिस्टम पे आप पेमेंट वगैरह का ना रखें, और एक एंटीवायरस यूज करें अच्छा सा, जो अनआइडेंटिफाइड जो साइट्स पे कनेक्ट करते हैं वो उन सबको ब्लॉक कर दे। तो दोस्तों इसमें ना कुछ तरह के सॉफ्टवेयर्स भी होते हैं, जैसे आपने देख लिया कि इसमें विंडोज इसमें भी अपडेट नहीं हो रहा है, और ये विंडोज 7 में भी अपडेट नहीं हो रहा है। तो इसका नुकसान ये होता है कि कभी भी आपको सिस्टम आपका हैक हो सकता है, मतलब फिशिंग के थ्रू या जिस भी तरह से वल्नरेबिलिटी स्कैन के थ्रू। दोस्तों आज के समय में ये आप देख रहे होंगे कि सॉफ्टवेयर्स तो ये अपडेट नहीं हो पा रहे, लेकिन जो सॉफ्टवेयर्स हैं जो हैकिंग में यूज़ होते हैं, जैसे एन मैप हो गया, नीसस हो गया, वायर शार्क हो गया, बर्फ सूट हो गया, मेटास्प्लॉयट हो गया, ये सॉफ्टवेयर डेली बेसिस पे अपडेट हो रहे हैं, और इनके जो डेटाबेस होते हैं वो डेली बेसिस पे अपडेट होते हैं। मेटास्प्लॉयट तो बेसिकली बहुत वाइड बड़ा सॉफ्टवेयर है, और वो वायरसों के लिए ही यूज़ होता है, उसमें वायरस होते हैं। आप उसका सूट परचेज करेंगे तो आप उसका वायरस मतलब आप उसको यूज़ कर सकते हैं फर्दर किसी दूसरे सिस्टम को हैक करने के लिए। वेब सूट हो गया, एन मैप होता है, नेटवर्क स्कैनर होता है, नीसस जो होता है वनरेबिलिटी स्कैनर होता है, वायर शार्क जो होता है वायर में जो डेटा चल रहा होता है उसको कैप्चर कर लेता है। तो दोस्तों इस तरह की मतलब आप ये देख लीजिए कि इस तरह की आपके पास कोई वो नहीं होता, और आपका सिस्टम मतलब अगर आप विंडोज 7 यूज़ करते हैं तो उसमें पेमेंट वगैरह का या इससे रिलेटेड कोई यूज़ ना करें। आप मेल यूज़ कर सकते हैं, मेल यूज़ कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, एंटीवायरस आप अच्छा परचेज कर लीजिए, उसमें लगा लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन पेमेंट वगैरह का ना रखें। ये आज के समय में और जिस तरह का आप देख रहे हैं बाहर एटमॉस्फेयर है या एनवायरनमेंट है जिस तरह की, तो ये आ गया कि फर्दर और ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट होंगी आगे धीरे धीरे। तो दोस्तों ठीक है, आज की वीडियो में इतना ही, थोड़ा सा आप सिक्योर रहिए, सेफ रहिए, और विंडोज 7 अगर आप यूज़ कर रहे हैं तो उसको अलर्ट होकर यूज़ कीजिए, और पेमेंट वगैरह का ना रखें, पेमेंट वगैरह ना करें इससे। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में। चैनल वीडियो अच्छी लगी तो चैनल सब्सक्राइब कर लें, शेयर कमेंट एंड लाइक करें, और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो ठीक है दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में, गुड बाय।